2005 के मॉडल की ये कोर गाड़ी, 2015 के मॉडल की ये कल्टस गाड़ी। जमाल भाई अगर कोई मेहरान आपको दिख जाए तो लाजमी ऐड करिएगा। तो भाई 2019 के मॉडल की ये मेहरान गाड़ी अभी हमारे सामने मौजूद है। तो दोस्तों अभी हम बढ़ चुके हैं एक और गाड़ी की तरफ और अभी हमारे पास मौजूद है 2005 के मॉडल की ये एक और गाड़ी। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गाड़ी की फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन चेक कर लें, लाइट ग्रिल आगे से आप लोग देख सकते हैं। और बात करें गाड़ी के साइड लुक की, तो अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी के टायर की कंडीशन, गाड़ी के टायर की भी कंडीशन हमें काफी साफ सुथरी दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी के बैक की भी कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के बैक की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बढ़ते हैं गाड़ी के डोरों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ, डोरों से बहने गाड़ी के सिर की भी। तो बात करें गाड़ी के डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के डोर की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है, आप लोग गाड़ी के डोर की कंडीशन वगैरह चेक कर लें। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की, तो आप लोग गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की भी कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे से बहने गाड़ी की सीट की भी। तो बात करें गाड़ी के पीछे वाले डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देख लें भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे की सीट्स की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन देख लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। तो बढ़ते हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ भाई। डिग्गी से मैंने गाड़ी कैसे रखी हुई, आप लोग गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम मैं दिखा देता हूँ। मेन की पट्टी की बात करें, तो आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी की कंडीशन चेक कर लें। बैटरी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं भाई। और बात करें गाड़ी के कुपो की, तो आप लोग गाड़ी के कुपो की भी कंडीशन चेक कर लें, ये वाले गाड़ी के कुपो की भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। और बात करें चेसिस नंबर टिकली नंबर की, तो आप लोगों को वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो आप लोग गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो इंजन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है गाड़ी का, आप लोग गाड़ी इंजन की आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी। तो बताएं ओनर की तरफ और उनके गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह ले लेते हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई से गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह ले लेते हैं। असलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, गाड़ी के बारे में तफसील वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है? ये 5 मॉडल है, 2005 का ये मॉडल है। डॉक्यूमेंट सब सी टैक्स से क्लियर है, हर चीज से क्लियर है। एसी वगैरह वर्किंग में? एसी भी वर्किंग में, 2-3 पीस टचअप है, बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन है। अच्छा, पेट्रोल चेंज दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पर? पेट्रोल पे। 1 लीटर में कितना देरी का अंदाजा? कम से कम 13 देगी। 13 दे जाती है, ठीक हो गया। अच्छा बात करें गाड़ी के ओनर की, ओनर का पता है आपको कितने? सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है। इंजन सस्पेंशन से गाड़ी ओके? हर चीज से। 0301023103386337337। डिमांड क्या गाड़ी की? 725 है, 7 में हो जाएगी। 7 में हो जाएगी, ठीक है। लोकेशन कहाँ की भाई गाड़ी का मिल सकती है? गुलशन तेरा डी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हमारे पास मौजूद है 2015 के मॉडल की ये कल्टस गाड़ी। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गाड़ी की फ्रंट लुक की, तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन चेक कर लें, लाइट ग्रिल आगे से आप लोग देख लें। और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं साइड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, साइड से मैंने गाड़ी की से रखी हुई। तो बात करें गाड़ी के साइड लुक की, तो आप लोग गाड़ी के साइड की भी कंडीशन चेक कर लें भाई। तो इस तरह से मैं गाड़ी के साइड लुक की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। टायर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी के टायर की कंडीशन चेक कर लें। और बात करें गाड़ी के पीछे वाले डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की भी कंडीशन चेक कर लें भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो अभी आप लोगों को गाड़ी का मैं ड्राइवर साइड भी दिखा देता हूँ, ड्राइवर साइड से बहने गाड़ी की से रखी हुई। तो बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की, तो आप लोग गाड़ी के ड्राइवर साइड की भी कंडीशन चेक कर लें भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के ये ड्राइवर साइड की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी के डोर दिख लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की, तो आप लोग गाड़ी का ये इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। सीट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग गाड़ी की सीट्स की भी कंडीशन चेक कर लें। तो बैठते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ, पीछे से बहने गाड़ी की सरकी हुई। तो बात करें गाड़ी के पीछे वाले डोरों की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और बात करें गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की, तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। तो अभी आप बढ़ते हैं हम लोग गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ, डिग्गी से बहने गाड़ी कैसे रखी हुई। तो बात करें गाड़ी की डिग्गी की, तो आप लोग गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। और
नीचे से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सामान है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन नहीं दिखा सकता। खैर, तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। मेन की पट्टी की बात करें तो आप लोग गाड़ी की मेन की पट्टी की कंडीशन चेक कर लें, बैटरी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, और बात करें गाड़ी के कुप्पों की तो आप लोग गाड़ी के कुप्पों की भी कंडीशन चेक कर लें, ये वाले गाड़ी के कुप्पों की भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, और बात करें गाड़ी के टिकली चेसिस नंबर वगैरह की तो आप लोग वो भी चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की इंजन रूम की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई से गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं। सांगे सर जी, ये 2015 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेबल सीपीएलसी की है, टैक्स भी ओके है, 14 लाख इसकी डिमांड है। ठीक है, कमी बेशी जो होगी मौके पे हो जाएगी इंशाल्लाह। एसी ओके है, टायर शायर ओके है, सस्पेंशन ओके है। अपना नंबर चेक कर दीजिएगा, 03048111596। आपका नाम? अब्दुल रऊफ। रऊफ भाई, लोकेशन गाड़ी का मिल सकती है? ये जौहर गुलिस्तान में। ठीक है, थैंक यू सो मच। माल भाई अगर कोई मेहरान आपको दिख जाए तो लाजमी ऐड करिएगा। तो भाई 2019 के मॉडल की ये मेहरान गाड़ी अभी हमारे सामने मौजूद है। बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई इस गाड़ी के क्या पैसे मांग रहे हैं, और गाड़ी की जो भी तफसीलात वगैरह होगी वीडियो के अंदर होगी तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो बात करें गाड़ी की फ्रंट लुक की तो आप लोग गाड़ी की फ्रंट की कंडीशन देख लें, लाइट ग्रिल आगे से आप लोग गाड़ी की चेक कर लें, और बात करें गाड़ी के साइड लुक की तो आप लोग गाड़ी के साइड की भी कंडीशन चेक कर सकते हैं भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के साइड की कंडीशन देखने को मिल जाती है। टायर आप लोग गाड़ी के चेक कर लें भाई, और बढ़ते हैं गाड़ी के बैक लुक की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं बैक की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। बैक लुक से पहले गाड़ी की सेफ्टी हुई, तो बात करें गाड़ी के बैक लुक की तो आप लोग गाड़ी के बैक की भी कंडीशन देख लें भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के बैक की कंडीशन दिखने को मिल जाती है, और बात करें गाड़ी के ड्राइवर साइड की तो आप लोग गाड़ी के ये ड्राइवर साइड भी चेक कर सकते हैं भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के ड्राइवर साइड की कंडीशन देखने को मिल जाती है, और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं डोर की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। डोरों से मैंने गाड़ी की सेफ्टी हुई, तो बात करें गाड़ी के डोरों की तो आप लोग गाड़ी के डोर की कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है, और बात करें गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की तो आप लोग गाड़ी के इंटीरियर डैशबोर्ड की भी कंडीशन चेक कर लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की इंटीरियर डैशबोर्ड की कंडीशन दिखने को मिल जाती है, और बढ़ते हैं गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे के डोर की कंडीशन दिखा देता हूँ। पीछे से मैंने गाड़ी की सरकी हुई, तो बात करें गाड़ी के पीछे वाले डोरों की तो आप लोग गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन देख लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे के डोर की कंडीशन दिखने को मिल जाती है, और अभी आप लोगों को गाड़ी के मैं पीछे की सीट्स भी दिखा देता हूँ। पीछे से भाई ने गाड़ी की सरकी हुई, तो बात करें गाड़ी के पीछे वाली सीट्स की तो आप लोग गाड़ी के पीछे की सीट्स की भी कंडीशन देख लें। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के पीछे की सीट्स की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ, बढ़ चुके हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी की मैं डिग्गी की कंडीशन दिखा देता हूँ। आप लोग गाड़ी की डिग्गी की कंडीशन चेक कर लें। तो बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी के इंजन रूम में दिखा देता हूँ। इंजन रूम से मैंने गाड़ी की सरकी हुई, तो बढ़ चुके हैं गाड़ी के इंजन रूम की तरफ और अभी आप लोगों को गाड़ी का इंजन रूम में दिखा देता हूँ। अच्छा, मेन की पट्टी की बात करें तो आप लोग गाड़ी के मेन की पट्टी की कंडीशन चेक कर लें भाई। कुछ इस तरह से मैं गाड़ी की मेन की पट्टी की कंडीशन दिखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो आप लोग गाड़ी की बैटरी की कंडीशन देख लें, कुप्पो की कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हैं, और ये वाले गाड़ी के कुप्पो की कंडीशन चेक कर लें। चेचिस नंबर टिकली नंबर की बात करें तो आप लोग वो भी गाड़ी की चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं गाड़ी के इंजन रूम की कंडीशन दिखने को मिल जाती है, बोनेट आपके सामने है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ मौजूद है, भाई से गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह ले लेते हैं। संग भाईजान। वालेकुम सलाम सर। सर जी, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा, कौन सा मॉडल है ये? 19 मॉडल है, 2019 का ये मॉडल है। डॉक्यूमेंट सिंपल सी, टैक्स क्लियर है, हर चीज क्लियर है। एसी वगैरह वर्किंग में? जी वर्किंग में। अच्छा, पेट्रोल सिंह जी दोनों पे से पेट्रोल पर? पेट्रोल पे सर। 1 लीटर में कितने देरी के अंदाजा? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दे आती है। अच्छा, इंजन सस्पेंशन से गाड़ी ओके? हर चीज ओके। डिमांड की बात करें तो क्या रखी आपने? 1280। कमी पेशी 19-20 वगैरह? कमी पेशी हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बात करें टच वगैरह में क्या गाड़ी? 2 पीस है इसमें, वैसे बेसिकली 2 पीस है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है। बाकी ओरिजिनल। कमी पेशी हो जाएगी, आपने बता दिया। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा सर, 03052415486। आपका नाम? जिशान। जिशान भाई, लोकेशन गाड़ी का मिल सकती है? गुलशन इकबाल। ठीक है, थैंक यू सो मच।